शिमला जिला के रामपुर में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जिसमें 14 खंडों के 670 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, योगा, टेबल टेनिस एवं कुश्ती प्रमुख रहेंगे। शिमला जिला के रामपुर में 19 वर्ष के कम आयु वर्ग के छात्रों की जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आज से शुरू हैं, जिसमें 14 खंडों के 670 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, योगा, टेबल टेनिस एवं कुश्ती प्रमुख होंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी होगी। 4 दिनों तक चलने वाले इस खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम लाल गुप्ता ने किया। समारोह का शुभारंभ छात्रों ने शानदार मार्च पास से किया। इस दौरान मेजबान स्कूल के छात्रों ने योग के करतब से सबका ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्याम लाल गुप्ता ने बताया कि खेलों का छात्र जीवन में विशेष महत्व रहता है। इसमें आदमी चुस्त दुरुस्त बहुत तंदुरुस्त रहता है। इसके अलावा छात्र दूसरी कृतियों में जाने से बच जाता है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि मादक पदार्थ एवं नशे का प्रयोग ना करें, इससे जीवन अंधकार में हो जाता है। उन्होंने कहा कि गांव से आए बच्चे अक्सर कुछ बिगड़े बच्चों की संगति में आकर गलत कदम उठाते हैं और भविष्य उनका चौपट हो जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है। इस दौरान ADPO शिमला सोहन सिंह ने बताया कि इस जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जिला के 14 खंडों के 670 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। समारोह के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर समाज सेवी स्वाति बंसल ने कहा कि वे विशेष बच्चों के सामाजिक स्तर को ऊंचा करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संस्था के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य प्रवीण गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में खेल प्रभारी अमर चंदेल, खंड खेल प्रभारी प्रीतम ठाकुर, सुभाष राजा, सुधीर रोल्टा, अनिल वर्मा, रविंदर नेगी आदि उपस्थित थे। सोहन से ADPO ने बताया कि इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 14 खंडों के 670 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। यहां से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।